OnePlus का फोन, लेकिन OnePlus वालों, इससे पहले हमने OnePlus Nord CE 2 Lite की अनबॉक्सिंग की थी। मेरे पास ये OnePlus 10R भी आया हुआ था, लेकिन पता नहीं, मन नहीं कर रहा था इसे अनबॉक्सिंग करने का। जब मेरे पास ये आया था, मैं अनबॉक्सिंग कर रहा था, इसे टेस्ट कर रहा था, तो मेरे को एकदम देवाजू जैसा फील हो रहा था। अच्छा। फिर भी आपके लिए कर देता हूँ। ओ हो हो, कवर, अरे फालतू चीजें। ओ हो हो हो, OnePlus का फास्टेस्ट चार्जर। अगर आपको नहीं पता, बता दूं, Realme GT Neo 3 है और ये है OnePlus 10R। तो चाचा है वही भतीजा है, तो भतीजा है वही चाचा है, समझ गए ना? नहीं समझे? रुक जाओ, आप समझोगे। एक सेकंड के लिए इसका डिजाइन देखो। और जब ये चाइना में लॉन्च हुआ था कुछ एस के नाम से, तब मैंने एक ट्वीट भी किया था कि इसका डिजाइन मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, पर एक्चुअली में जब ये मेरे हाथ पे आया, हाथ पे लेते हो, जब आप अपनी आंखों से देखते हो, ऑनेस्टली बताओ तो ये डिजाइन में बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये एक OnePlus का फोन है। इवन अगर आप इसे हाथ पे भी पकड़ोगे, वो OnePlus वाली जो प्रीमियम फील है ना, वो इस फोन में मुझे सीरियसली बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। अब मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि OnePlus के मैंने बहुत सारे फोन टेस्ट किए हैं। एक बार OnePlus 9RT को हाथ में लेना और एक बार OnePlus 10R को हाथ पे लेके देखना, एक अलग ही फील होगा आपको OnePlus 9RT में। पर एक चीज मुझे अच्छी लगी, फोन का जो वेट है वो काफी लाइट वेट है। फोन की थिकनेस 8.2 mm है और सीरियसली मुझे काफी लाइट वेट फोन लगा। 182 ग्राम इसका वेट है। इसका जो बैक साइड है ये मैट फिनिश के साथ आता है, लेकिन है तो ये पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक है। पॉलीकार्बोनेट तो यस, ये देखो स्क्रैचेस तो आ रहे हैं भाई। पहली बात, फोन में 3.5 mm जैक नहीं है। सहलेंगे थोड़ा सा। लेकिन यार अलर्ट स्लाइडर नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो रहा है, देखिए ये गलत है भाई। ये देख रहे हो OnePlus 9RT में अलर्ट स्लाइडर है, बट OnePlus 10R में मिसिंग है। डिस्प्ले फ्लैट है, 6.7 इंच वाला FHD प्लस OLED डिस्प्ले है, फ्लूएड OLED डिस्प्ले है। यस, डिस्प्ले देखने में बढ़िया लगता है। अगर हम सेटिंग्स पे जाते हैं, हाई रिफ्रेश रेट पे सर्च करते हैं, तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, स्टैंडर्ड और 120Hz का। हो 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 हो, स्मूथ तो फील होता है यार। डिस्प्ले क्वालिटी देखो, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है फोन के डिस्प्ले का, वो काफी तगड़ा है। इससे अगर आप देखोगे तो आपको काफी मजा आएगा। एंड अच्छी बात है, HDR 10 प्लस डिस्प्ले है ये। पिंग एंगल देखो भाई साहब, तगड़ा है। और ये ऊपर से देखो, उसके बाद ये साइड से देखो, ये डिस्प्ले देखते हैं, ये लोएस्ट है, ये 25%, 50%, 75% और ये 100%। यार डिस्प्ले ब्राइट इनफ है। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इसके UI में, आई डोंट नो, मुझे एक वो OnePlus वाली फील ही नहीं आ रही। ओप्पो रियलमी वाली UI है। इसके पीछे साइड में बड़ा सा है कैमरा, ये 50 megapixel वाला मेन कैमरा है, सोनी IMX766 सेंसर के साथ, OIS है। और ये जो दो छोटे छोटे हैं, ये एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा है और एक 2 मेगापिक्सल का मैक। और ये जो फ्रंट है ये 16 मेगापिक्सल का है। जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, वो तो ठीक है, सोनी सेंसर के साथ है। 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, चलो ये भी ठीक है। 2 मेगापिक्सल, क्या 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 करूं मैं इसका? अरे क्या करूं मैं इसका? अरे जुबा केसरी वाली फोटो, अरे यार ये तो कैमरा फ्लिकर कर रहा है। एक ये, ओए होए 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 होए, क्या बात है। 2x में फोटो देखो भाई साहब, मजा आ गया देख के, मस्त डिटेल्स देखो। दूसरा ये भी देखो, फोटो तो बड़ी तगड़ी आ रही है यार, कहना पड़ेगा। देखो यहाँ पर बैकग्राउंड में हल्का सा शेडो दिख रहा है, पर अगर हम जूम करते हैं, यस डिटेल्स थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। सॉफ्ट सॉफ्ट पिक्चर यहाँ पे क्लिक किया है कि स्किन टोन आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से इज गुड। ओए होए 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 होए, सेल्फी तो अच्छी आ रही है यार, काफी ब्राइट है, स्किन टोन काफी तगड़ा है, ओवरऑल सेल्फी बहुत बढ़िया लग रहा है देखो आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में। 1080p 60 fps पे सपोर्ट है और 4K 60 fps पे सपोर्ट है, ये बहुत तगड़ी चीज है। ओके, ये जो फिलहाल वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हो, आप फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड की जा रही है, एंड ऑफ कोर्स जो साइड वाली रिकॉर्डिंग है वो रियर कैमरे से रिकॉर्ड की जा रही है। स्टेबलाइजेशन देखो काफी अच्छी है। इवन जो यहाँ पर आप फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हो, इसमें भी आपको काफी अच्छी वीडियोस मिल जाते हैं। परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8100 मैक्स चिप दे रखा है, 5nm वाला चिप है, मतलब सुपर पावर एफिशिएंट। इसमें मैंने एंड्रॉइड टेस्ट किया, स्कोर निकल गया है 673,000 प्लस, काफी अच्छा स्कोर है। और ना मैंने इसमें थ्रॉटलिंग टेस्ट भी किया, एंड ग्राफ आप देख सकते हो, सीपीयू थ्रॉटल परसेंटेज है वो 79% है। एंड सच बताऊं तो मैं थोड़ा सा और बेटर स्कोर एक्सपेक्ट कर रहा था। कोई नहीं, हमें चाहिए पीरो गेमिंग। ग्राफ कैसा भी आए, बात तो सही है। सेटिंग्स पे जाते हैं, ग्राफिक्स पे गए, HD हाई तक ऑप्शन है बस, नो HDR ऑप्शन, नो अल्ट्रा HD, स्मूथ पे हाई का ऑप्शन है बस भाई साहब। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। 15,000 से 20,000 वाले फोन में भी इससे ज्यादा बेटर ग्राफिक्स मिलते हैं। पहले थोड़ी सी गेमिंग टेस्टिंग कर लेते हैं, फिर आपको रीजन बताऊंगा। ओके, ग्राफिक्स देखो, चलो ग्राफिक्स बढ़िया है, अब एकदम स्मूथ गेमिंग नहीं कहूंगा। देखो स्मूथ वाले ग्राफिक्स बिल्कुल भी नहीं है इसमें, और यस ग्राफिक्स ठीक दिख रहे हैं, फ्रेम ड्रॉप है, लैग देखते हैं। अरे चचा चचा, चचा
मजा आता है ऐसा। मजा आया। ये देखो ये देखो ये देखो, जिस तरह से वन प्लस में गेमिंग होती है, जो इनके 30 से 40 हज़ार वाले फ़ोन होते हैं जिसमें स्मूथ और एक्सट्रीम पे आपको ऑप्शन मिलता है, वैसे गेमिंग नहीं है बिल्कुल भी। देखो ये देखो, मारो हमको, कोई मारो, भी आके हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। बाकी इसमें स्टीरियो स्पीकर है तो साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लाउड है। ये देखो साला, हम पीछे से मारेगा तेरे को, ये देख साले, मजा। जय बजरंग बली। अबे चचा, और ये जो चिप है ना काफी पावरफुल है और अल्ट्रा एचडी में गेमिंग के कैपेबल भी है। बट पता है इसके पीछे रीजन क्या है? ये एक न्यू चिप है और आजकल क्या है, एकदम भागदौड़ लगी पड़ी है कि भैया हम सबसे पहले फोन के साथ लॉन्च करेंगे, हम सबसे पहले लॉन्च करेंगे। तो उस चक्कर में क्या है, जो चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो भी जल्दी जल्दी चिप लॉन्च कर रहे हैं और इस चक्कर में चिप को गेमिंग के लिए ऑप्टिमाइज करना भूल जा रहे हैं। आई होप इसे जल्दी ऑप्टिमाइज कर दे गेम के लिए। हमने वन प्लस 9RT में भी गेमिंग करी थी, उसमें ग्राफिक्स आप देख सकते हो एकदम तगड़े ग्राफिक्स थे। तो अगर आपको गेमिंग करनी है तो इसका जो बेस वेरिएंट है 8GB 128GB के साथ 38999 प्राइस है। ओके, ये एक LPDDR5 रैम है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है। ओके, ये भी फास्ट है, ये भी फास्ट है, ये भी फास्ट है, असिस्टेंट फास्ट है, डुओ फास्ट ओपन हो रहा है, गेम्स फास्ट ओपन हो रहा है। सो या मल्टीटास्किंग इज सुपर फास्ट, सुपर स्मूथ, कोई ऐसा लैग जिटर नहीं है। इसमें 4500mAh की बैटरी है विद 150W फास्ट चार्जर और इसका ना एक 80W वाला वेरिएंट भी है जिसमें आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है। इसका UI आप खुद ही देख लो, पूरा एकदम रियलमी की याद दिला रहा है। याद क्या दिला रहा है, रियलमी का ये एक्चुअली फोन है। ये चाचा है, ये भतीजा है, और ये भतीजा है, ये चाचा है। So, overall कैसा लगा मुझे ये फोन? देखो फोन के स्पेक्स तो अच्छे हैं बट लोग इस फोन को क्रिटिसाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक रीब्रांडेड फोन है और आपको पता है OnePlus एक प्रीमियम ब्रांड है। था, खैर छोड़ो, OnePlus की एक अलग ही इमेज है। इससे पहले जितने भी फोन OnePlus ने लॉन्च किया था, जैसे OnePlus Nord CE 2, OnePlus Nord 2, OnePlus Nord 1, OnePlus 9RT, उन फोन को जब टेस्ट करता था तो एक अलग ही फील आती थी OnePlus वाली प्रीमियमनेस के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में, डिजाइन इन हैंड फील के मामले में। वो जो फीलिंग है ना, सच बताओ मुझे इस फोन में यानी कि OnePlus 10R में नहीं मिल रही है। अगर आप OnePlus 10R खरीदने की जा रहे हो, ऑफलाइन स्टोर पे चले जाना, OnePlus 9RT भी चेक कर लेना। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।